और ये है इन्नू का पुराना रूम, यहाँ पे अब खाना वगैरह खिलाया जाता। अल्लाह पूरा घर चेंज हो गया यार। अल्लाह ये हमारा घर था, कैसा लग रहा है। हिम्मत टूट गई यार मेरी बहुत ज्यादा। बहुत अजीब लग रहा था, बहुत गंदा, बहुत ज्यादा गंदा। हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली ब्लॉग्स। और मैं हूँ इकरा। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं ना आज अभी फ्री हुई हूँ, 8 बजे मैं फ्री हुई हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। मैं सुबह से वीडियो शूट करने में लगी पड़ी थी, अब जाके वो वीडियो ख़त्म हुई है और अब मैं जाके थोड़ा फ्री हुई हूँ और अब मैं जा रही हूँ सेकेंड वीडियो शूट करने के लिए, व्लॉग शूट करने के लिए। और आज हमारे पुराने वाले घर में कुरान खानी हो रही है। बड़े पापा का इंतकाल हुआ था आपको पता है, तो वो कुरान खानी करवा रहे हैं हमारे पुराने वाले घर पर। आप बोलोगे पुराना वाला घर तो बेच दिया, तो वहाँ कैसे, वहाँ मेरे भाई रह रहे हैं, मेरे बड़े पापा के सबसे बड़े लड़के रह रहे हैं, तो वहाँ पे कुरान खानी हो रही है और सब वहीं पे हैं। और अभी आज अम्मी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है सुबह से, बट जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ जाना पड़ेगा। मेरी सारी बाजी आई हैं, सब वहीं पे हैं और उनका फ़ोन भी आया था कि आ जाओ। और अभी मैं भी, शप्पी भी आने वाली है घर पे। अप्पी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, और अम्मी जी की तो सच में सुबह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अब जाके थोड़ा सा उनको फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है, बट अब भी इतनी ठीक नहीं है। और अभी मैं जा रही हूँ पहले तो अम्मी जी के कपड़ों पर प्रेस करने के लिए। मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही पुराने घर पे जाने की, बट पूरे एक महीने बाद हम मतलब घर के अंदर ऐसे एंटर करेंगे, जाएंगे। चलो अभी ना मैं अम्मी के कपड़े पे प्रेस कर देती हूँ, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अम्मी वगैरह आप भी सब जा चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। वहाँ से कॉल भी आ रही है और आप यहाँ टाइम देख सकते हो, 9:06 हो चुके हैं। नीचे कॉल का साइन दिख रहा होगा, कॉल भी आ रही है, मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ बिल्कुल भी जाने की, बट डैड जी वही कह रहे कि कब तक हिम्मत नहीं करोगे, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जाने का दिल नहीं कर रहा, मतलब मैं इतना ज़्यादा लेट हो चुका हूँ कि मदरसे के बच्चे जा भी चुके हैं और बहुत सारे गेस्ट जो थे वो भी जा चुके हैं, बस हम घर घर के शायद से बचे होंगे और शायद से सबने खा भी लिया होगा खाना, मैं ही रह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार मुझे, मैं काम भी कर रहा था, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही जाने की। चलो मैं चलती हूँ पहले घर पर अपने, देखते हैं जाके क्या हो रहा है, और वहाँ कुरान खाने वगैरह सब कुछ हो चुकी है। चलो, और यहाँ मैं शादी के साथ घर जा रही थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी वहाँ जाने की। जैसे रास्ता पूरा होता जा रहा था मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, और आगे मेरे साथ इतना बुरा हुआ है ना, बस मैं आप सबको क्या बताऊँ, आप आगे खुद देखिएगा। और सच में मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है और अब भी मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है। अल्लाह मैं अपने घर आ गया। और ये है इन्नू का पुराना रूम, यहाँ पे अब खाना वगैरह खिलाया जाता। आप भी मुझे देख के स्माइल कर रही थी कि मैं रो तो नहीं रहा। हाँ तो गया। अरे भैया मेरे कदम पर, मैं भी तो लड़के के नाम से फेमस है। देख लो फेमस तो हूँ, हमारे स्टोर वाला है। मैं तेरे मामू की वीडियो देखता हूँ। अच्छा तो कौन करीम का? नहीं मेरे मामू को, इकरा मामू। अच्छा इकरा मामू, मुझे ये अपना घर नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और के घर में बैठा हूँ। मतलब एक वाइब ही नहीं आ रही कि अपने घर वाली नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कभी कहाँ आ गया मैं। अजीब सही लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा आज ही अपना घर, सीधे दूसरा घर लग रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि ये हमारा वाला घर था, अजीब सा लग रहा है बहुत। बंद कट है, बहुत ज्यादा लेट हो गया। बाजी का होल दिया, बाजी कब आज ही घर चली जाओगी क्या? हाँ आज ही चली जाऊंगी, जाना भाई थी मैं 10:30 बजे वहाँ चलना ना, अब जाने का टाइम है। तेरा भाई ना कह रहा है कि अब जाना है, तो कल जाना ना। नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि अपने घर पे बैठा हूँ, बहुत अजीब सा ही लग रहा है ना, लग नहीं रहा अजीब सा। नीचे पता नहीं कौन, नीचे इन्होंने किराए पे दे दिया, मुझे इतना गंदा लग रहा बाजी। बहुत ही चेंज सा लग रहा था। अभी सब सारी बाजी खाना खा रही है, मेरी सारी बैठी हुई है और हम भी खा लेते। खा लिया तुमने? नहीं। चलो फिर हम भी खाते हैं खाना। हाँ
कलर चेंज हो गया है यार, कैसा लग रहा है ना, अजीब सा। सब बोल रहे इतना ज़्यादा लेट क्यों आई, क्या बताऊँ, सबको पता है ये बात क्यों। और ऐसा लग रहा है घर अजीब सा है, नीचे भी ना मतलब काम हो रहा है, देखो जी हमारी इतनी सेवा हो रही है और बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं किसके घर पर खड़ा हुआ। अजीब सा नहीं लग रहा? नहीं, ये तो तुम्हारा ही घर है। हाँ ये हमारा ही तो घर है ना, हमारा ही तो घर है ये। अच्छा है ना, मुझे लो। हम भी ले लेंगे, हम चलो ये घर ले लेते हैं। भाई को और तालिब को लो। तालिब कहाँ है? ये रहा, सारे मेरे बच्चे हैं। और ये उयस, इसकी मैं फुप्पो, इसकी खाला, पीछे वाली की भी खाला और इसकी भी खाला है ना, मेरी मुमानी। इसकी साइड, इसकी गुलशन बाजी की साइड मुझे सब मामा मामा बोलते हैं क्योंकि मैं लड़कों की तरह बोलता हूँ इस वजह से। अल्लाह ये हमारी गली है, मैं क्या बताऊँ, बस मैं यहाँ मेरे मतलब अब देखिए हम, मैं रोना चाहता हूँ पर मेरे आंसू नहीं निकलते, पता नहीं अजीब सा लग रहा है। अभी नीचे झाँक के देखूंगा नीचे, क्योंकि नीचे ना कारखाना बन चुका है पूरा, पर नीचे देखूंगा कैसा लग रहा है। ये कारखाना बन गया है, अल्लाह ये हमारा घर था, कैसा लग रहा है, बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा ये हमारा घर है, अल्लाह बहुत अजीब सा लग रहा है। देखा नीचे, नीचे देखा, अल्लाह बहुत ही अजीब लग रहा है, लग ही नहीं रहा हमारा घर है, अल्लाह मैं इसलिए नहीं आता यहाँ पे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हिम्मत टूट गई यार मेरी बहुत ज़्यादा, मैं घर जाऊँ यार, मेरे से ना हो पाएगा। अभी हम बड़ी अम्मी के जा रहे हैं, मेरे उसकी तो दहानी की मैं वहाँ बैठ सकूँ, मैं बड़ी अम्मी के पास जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। घर पहुँच गया मैं बड़ी अम्मी के घर, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ। अभी आया ना तो बड़ी अम्मी ने पहचान लिया मैं रो रहा हूँ, तो फिर भाग भाग करने लगी, चुप कराने लगी, वहाँ पर भी सब चुप कराते हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गया, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। पता है यार बचपन गुजर गया वहाँ पे, बड़े पापा भी वहीं से चले गए, तो बहुत होता है, बहुत एहसास होता है, लोग को क्या कहना है कह देते हैं, पर हमें पता है कि अब क्या बीतती है। मेरी हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी, मुझे अगर कोई काम भी पड़ता है ना मैं लंबा चक्कर काट लूँगा, पर उस गली से नहीं जाता बिल्कुल भी, बहुत अजीब लग रहा था, बहुत गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा। मैंने कैसे कंट्रोल कर रखा था खुद को, ये मैं जाता हूँ, पर जब मैंने नीचे देखा ना, नीचे देखते मेरी जान निकल गई बहुत ज़्यादा, कि यार हम रहते थे वहाँ पे भी कुछ टाइम पहले, तो अल्लाह बस हिम्मत दे, मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत टूट चुकी है यार बहुत ज़्यादा। हम क्या क्या फेस कर रहे हैं ना अभी इस टाइम पे वो हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है, पर अल्लाह का सब बहुत शुक्र है, पर जो हम फेस कर रहे हैं वो हमारा अल्लाह जानता है। क्या बोलूँ यार, बहुत दिल पे लगती है बहुत ज़्यादा, बस मैं तभी तो मैं हल्का मैं मेरे से नहीं रुक जाएगा, खाना भी मैंने कैसे कैसे खाया, मैं जाता हूँ बस फटाफट से, मैं यहाँ आ गया, मैंने कहा मुझसे रुका नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ मेहमान भी हो रहे थे, मैंने कहा घर जाऊँ मैं, अभी आया हूँ मैं थोड़ी देर में, फिर अम्मी मम्मी से मिल के फिर हम घर चलेंगे सब। मेरी तो हिम्मत ही टूट गई यार मुझे तो, अल्लाह ये मंजर ना कभी किसी के सामने ना आए, अल्लाह पाक कभी भी किसी के सामने ना आए। सो बाजी घर जा रही हैं अपने, अब बाजी बहुत ज़्यादा थक गई, वो जब से आई भी काम में लगी हुई थी ना, तो अब जा रही हैं। सोया तो आई नहीं? नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं, बस बाजी भाई और छोटा वाला हमारा आया था, ये जा रही हैं। ठीक है ध्यान से जाना, कर दूंगा मैं सैड नंबर। इन्नू कैसा लग रहा है? हाँ इन्नू अच्छा लग रहा है, इधर तो देख, इधर इधर तो देख, अरे इधर तो देख, अरे अम्मा अब शर्मा गई। इन्नू पुच्ची मत दे, इन्नू पुच्ची दोगी लाओ पुच्ची दो मुझे, मैं तुमसे बोलूंगा नहीं, मैं तुमसे बोलूंगा नहीं, कट्टी बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, जाओ जाओ जाओ, बाय, भागो भागो, हम बुला भी नहीं रहे, भागो, क्या तुम मत बोलो, वरना मैं वापस की गली चली जाऊंगी। अच्छा मैं भाभी अम्मी जी हम तो घर जा रहे हैं, आप भी जीजू और इन्नू वहीं पे है, वो इन्नू झूला झूल रही थी ना तो आ नहीं रही थी, तो मैं घर जा रहा हूँ, और घर जाके बस अपना काम करना है मुझे, एडिटिंग वगैरह करनी है, वीडियो अपलोड करनी है इंशाल्लाह कल तक मुझे। और आप सब बताओ कैसी चल रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी चल रही है, लगा शुक्र है, और बस आज दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया। अब जब मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, मतलब होता है यार बहुत ज़्यादा होता है,
मैं मतलब खुद को मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, और मैं कैसे करती हूँ, मैं हमेशा हंस हंस के दिखाती रहती हूँ, बट मेरा अल्लाह जानता है क्या है। मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, बट थोड़ा मतलब होता है यार, बहुत होता है, थोड़ा भी नहीं, बहुत होता है। और आजकल तो बस मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने काम में। जो मेरे छोटे छोटे से फ्रेंड्स हैं ना, वो तो कहते हैं मेरे को कि दीदी आप खेलने नहीं आते हो, बस मैं काम में इतना बिजी रहने लगा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मेरा दिल नहीं करता बिल्कुल भी खेलने मिलने का भी। और चलो बस घर पे जाके मैं घर पे मिलती हूँ आप सबसे। अस्सलामुअलैकुम यार, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं चेंज करके मिलती हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे घर पर। सो गाइज, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, छोटू सा ही ब्लॉग बनाई है। और मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, सब वहाँ बहुत ज़्यादा चुप करा रहे थे, सब छूटते, सबसे पहले जब मैं वहाँ गई तो सब ये कहने लगे आज तो बहुत लेट आई है तू। बस क्या बताऊँ, दिल था ही नहीं जाने का बिल्कुल, बहुत अजीब लग रहा था। देखो जाने के बाद ये हाल हुआ मेरा, और मेरे से नहीं हो पाता, फैमिली का और घर का अलग ही मसला है, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। और अब चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, आप सब जो भी आ गए हैं, आई होप आप सबके ब्लॉग बहुत पसंद आए हो, और प्लीज़ हमारे लिए दुआ करिएगा, बहुत ज़्यादा नीड है आपकी दुआ की। तो चलो आई होप ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आए, पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, बताएगा इस ब्लॉग।